हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी और टेस्टी कर्ड राइस। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है। चलिए कर्ड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम नए तरीके से। देखिए, हमने लिया है खीरा और दो टमाटर। इसे हम ना इसके छिलके निकाल कर इसे बारीक कट कर लेना है। टमाटर का बीज भी हम निकाल देंगे, एकदम बारीक कट कर लेंगे। देखिए, टमाटर और खीरा हमने बारीक कट कर लिया, दो हरी मिर्च भी हमने बारीक कट कर लिया है। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, एक चम्मच के करीब हम राई ऐड करेंगे। राई को चटकने देते हैं। देखिए, राई चटक गया है, कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। गैस हमें स्लो रखना है। कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। अब गैस हम बंद कर देते हैं। देखिए, हमने लिया है बॉईल किया हुआ चावल, हमने सिंपल इसे उबाल लिया है। इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं है। चावल हमें थोड़ा गीला ही रखना होता है, बहुत ज्यादा दानेदार चावल नहीं रखना होता। अगर आप कर्ड राइस बना रहे हैं तो राइस थोड़ा सा गीला ही होना चाहिए, पहले ही हमने उबाल लिया है। अब हम कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस हमने बंद कर दिया है, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने मिक्स कर लिया, गैस हमने बंद कर दिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम कर्ड ऐड करेंगे, यानी कि दही ऐड करेंगे। ये देखिए, ये घर का जमा हुआ दही है, ये बिल्कुल ये खट्टा नहीं है। इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करके अच्छे से इसमें फेंट देंगे, इसमें लॉम्स नहीं रहना चाहिए। नमक ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब हम जो हमने फ्राई किया था ना चावल, वो चावल लेंगे। इसमें ना हम दही ऐड कर देंगे, इसमें हम फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे। जितना आपको बनाना हो ना कर्ड राइस, उतना आप राइस और कर्ड ले लीजिएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर बच्चे अपने दही चावल खाना नहीं पसंद करते हो, आप इस तरीके से बनाएंगे ना, बच्चे अपने मांग मांग के खाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया ये कर्ड राइस बनके तैयार हो गया ना, खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है। आप इस तरीके से गर्मियों में कर्ड राइस बना के खा सकते हैं, बहुत ज्यादा ये हेल्दी भी होता है। आप इस तरीके से गर्मियों में दही चावल खा सकते हैं, और ये बनाना भी बहुत आसान है और हेल्दी भी है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।